अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कोरल ड्रा X7 में इफेक्ट मेन्यू के ऊपर हम कॉपी इफेक्ट और क्लोन इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हम ये सारा काम कर चुके हैं। कॉपी इफेक्ट और क्लोन इफेक्ट का फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास आपने कहीं से भी कोई कोरल ड्रा की फाइल को डाउनलोड किया है, करने के बाद उस पर काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं है किस फाइल के ऊपर कौन से इफेक्ट अप्लाई किए हुए, और अगर आप किसी अपने फाइल के ऊपर कोई इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ अपने टेक्स्ट लिखकर कुछ भी लिखा है आप उस पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद कोई ऑब्जेक्ट आपने कोई खुद से जो है तो कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन किया लेकिन आप भूल गए कि मैंने इफेक्ट कौन से इस पर अप्लाई किया था, तो बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट आप किसी और पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉपी इफेक्ट में जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ये सारे के सारे हाईलाइटेड नहीं किए हुए, तो ये सारे काम हमने किए हुए। पर्सपेक्टिव में भी हमने काम किया हुआ है, एनवेलप में भी काम किया हुआ है, ब्लेंड पे भी काम किया हुआ, एक्सट्रूड के सारे हमने काम किए हुए। अब ये काम हमने कहाँ पे किए, हमने टूल बार में किए। यहाँ पे देखें अगर आप, तो इस टूल बार में ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए, देखें सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ये सारे हमने काम किए हुए। इसी तरह जो है तो इफेक्ट में जाके तो पर्सपेक्टिव में मैंने यहाँ पे काम आपको करना सिखाया था, तो ये सारे काम हमने किए हुए। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अप्लाई की हुई आपके किसी ऑब्जेक्ट पे तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बनाता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ और इस पर मैं एक इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कंट्रोल का इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर और इसको मैं यहाँ से देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ से इस पर मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। इसको कलर में यहाँ से ये देता हूँ, ओके। एक मैंने ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ तो एक और काम करता हूँ कि मैं, आप काफ़ी सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक दो ही इफेक्ट अप्लाई करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट मैंने लिखा और बल्कि इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से एरिया ब्लैक कर लेता लिखे। अब देखते हैं, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि अब इसके ऊपर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। इस पर मैं दो इफेक्ट अप्लाई करूंगा। सबसे पहला जो इफेक्ट अप्लाई करता हूँ बल्कि कॉपी करता हूँ इसको, इसके ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई करता हूँ सब मैं कलर यहाँ से ये देता हूँ और इस पर इफेक्ट जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं इसके ऊपर भी यही इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ या फिर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर लेता हूँ। कोई भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ड्रॉप शेडो अप्लाई करता हूँ। देखिए शेडो मैंने अप्लाई कर लिया इस पर, और इसको मैं जो एक और काम कर लेता हूँ कि इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको मैं एक्सट्रूड कर, बल्कि ये एक्सट्रूड नहीं होगा, उसके लिए 3D शेप कोई भी होगी वो एक्सट्रूड हो जाएगी। तो ये मैंने इस पर एक अप्लाई कर लिया टेक्स का स्टाइल और इसको मैं अब कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट, और इस पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ जी ब्लेंड ऑप्शन। ये काफ़ी सारे आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कलर में इसको ये वाला देता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इफेक्ट जो है इन पर अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले इस ये वाला इफेक्ट मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैंने तीन इफेक्ट अप्लाई किए और एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस वर्चुअल पे काम कॉपी करता हूँ, इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ जी। यहाँ से इफेक्ट में जाता हूँ और एड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करके उसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, अब अगर आप देखें तो हमने कौन कौन से इफेक्ट अप्लाई किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्टूर अप्लाई किया है, पर्सपेक्टिव अप्लाई किया है और यहाँ पे ड्रॉप शेडो किया और यहाँ पे भी कॉन्टूर अप्लाई किया इफेक्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर आप जाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे आप इफेक्ट में जाऊँगा तो ये सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएंगे। देखें मैं कॉपी इफेक्ट पर जाता हूँ तो देखें पर्सपेक्टिव अप्लाई किया वो भी आ गया,
कॉन्टोर अप्लाई किया वो भी आ गया और ड्रॉप शेडो अप्लाई किया वो भी आ गया। देख सकते हैं ये तीनों इफेक्ट जो है यहाँ पे सामने आ गए। अब किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी चीज के ऊपर जब आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ इफेक्ट में। अब इसके ऊपर क्योंकि मैंने इफेक्ट अप्लाई करना ये वाला, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मैं कॉपी इफेक्ट करता हूँ, कौन सा, मैं काउंटर का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, कॉपी किया। और अब यहाँ पे जाके क्योंकि मैंने इसका इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा, तो देखें वही इफेक्ट इसके ऊपर क्या हो गया, अप्लाई हो चुके हैं। देख सकते हैं कलर आप खुद दे सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अब मेरे पास यहाँ पे जो इफेक्ट दिया हुआ है, ये इफेक्ट दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे, इस इफेक्ट को मैं यहां से कॉपी करता हूँ, कॉपी इफेक्ट में जाता हूँ, और ये कौन सा प्रस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मैंने ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफेक्ट में जाता हूँ, कॉपी इफेक्ट करता हूँ, कौन सा इफेक्ट है, प्रस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। करने के बाद मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखें यही इफेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। अब ये इफेक्ट खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ और क्लियर प्रस्पेक्टिव पे क्लिक करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर से मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इफेक्ट में जाऊंगा और क्लियर इफेक्ट क्लियर काउंटर पे क्लिक करूंगा, तो क्लियर हो जाएगा ये भी। अब इसी तरह ये वाला इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे जाता हूं इफेक्ट में, कॉपी इफेक्ट और क्लोन इफेक्ट, बेसिकली यही काम करते थे, क्लोन इफेक्ट में भी चीजें आ गई हैं। अब क्लोन इफेक्ट में मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं इसके ऊपर, तो मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करता हूं, ये वाला ड्रॉप शेडो का इफेक्ट है, सॉरी मैंने बल्कि इसी के ऊपर मैं अप्लाई करता हूं, क्योंकि इसके ऊपर देखें ड्रॉप शेडो तो अप्लाई नहीं किया हुआ, कंट्रोल अप्लाई किया ड्रॉप शेडो नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर मैं ये वाला ड्रॉप शेडो का वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इफेक्ट में, क्लोन इफेक्ट। अब कॉपी और क्लोन का फंक्शन सेम है, ठीक है, क्लोन काउंटर पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल बल्कि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। इसके ऊपर देखिए ड्रॉप शेडो वाला इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, तो ड्रॉप शेडो वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ड्रॉप शेडो शेडो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा था, इस वजह से ये नहीं हो रहा था। देखिए शेडो इसके ऊपर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है क्लोन और आपके पास जो होते हैं कॉपी इफेक्ट के ऑप्शन होते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये वाला कंट्रोल का अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं जाता हूँ इफेक्ट में जाता हूँ और क्लोन में जाता हूँ और यहाँ पे इसको काउंटर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे देखें काउंटर के ऊपर क्लिक करूंगा जस्ट, तो मेरे पास ये वाला इफेक्ट इस पर क्या हो गया, अप्लाई हो चुका है। क्लिक करता हूँ या फिर कलर देता हूँ, देखें वो इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। तो ये कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट और क्लियर इफेक्ट का फंक्शन था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक सही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप जब हम प्रैक्टिकली काम करें तो आपके लिए वो आसानी हो, आप आसानी से काम कर सकें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और इसके अलावा आप जो है तो अपनी राय जो है हमें कमेंट के जरिए अपनी राय भी दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।